समाजवादी पार्टी में मतभेद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा परिवार में जारी कलह के बीच आज रामगोपाल यादव ने सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद रामगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया तो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, सुधार करने की कोशिश की जाएगी। कई बार कुछ फैसले हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि पार्टी में कोई दिक्कत है, ऐसा सभी पार्टियों में हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्टी चीफ मुलायम सिंह यादव लखनऊ से बाहर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सब ठीक कर देंगे, हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। साथ ही नेताजी ने ये भी साफ कर दिया है कि शिवपाल यादव मंत्री बने रहेंगे और अध्यक्ष पद भी नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान रामगोपाल ने अमर सिंह का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति पार्टी का नुकसान कर रहा है, नेताजी की सरलता का फायदा उठाया जा रहा है, ऐसे में सीएम बाहरी लोगों का हस्तक्षेप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। शिवपाल यादव पर बोलते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि अब वह खुश हैं, एक दो दिनों में अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच मुलाकात होगी और नेताजी का फैसला ही सर्वमान्य होगा। इससे पहले कल शिवपाल यादव ने पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से दिल्ली में मुलाकात की थी और अपने रुख में नरमी दिखाई थी। इसके बाद शिवपाल ने कहा था कि वो लखनऊ में अखिलेश से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया था कि पार्टी में एक ही बॉस है और वो है मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी इस समय आपसी मतभेद से उपजे सियासी बवंडर से गुजर रही है। इस सियासी बवंडर में केंद्र में चाचा और भतीजे हैं। वहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मामला शांत कराने में जुटे हैं, लेकिन सियासी बवंडर कब और कैसे शांत होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।